Hi everyone, after a long time, welcome to my garden and hope so you like this garden makeover. And if you do so, don't forget to like, comment, share and subscribe. So this is our garden's current situation. So इसे मैं अभी अच्छा से आपको बिफोर एंड आफ्टर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि अभी ये कैसे दिख रहा है हमारा. यहाँ पे दो प्लांटर स्टैंड है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पर ये इतना डिस्टिंक्ट नहीं है बीच में, क्योंकि जो आप बड़ा वाला बैम्बो प्लांट देख रहे हैं वो बीच वाला हमारा लेयर है. सो यहाँ पे मैं अपना कैमरा फिक्स कर रही हूँ और वहाँ पे हम मेरे साथ है अभी सिम्बा. अभी शायद सब लोग आ जाएंगे एक एक करके. सो अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं प्लांट्स को यहाँ पे रीअरेंज करूँगी, क्योंकि प्लांट्स कुछ कुछ है इसमें बहुत सारे, क्या बोलते, वीड्स ग्रो हो गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गए, मुझे वो हटाने हैं. और यहाँ पर बहुत ही क्लटर दिख रहा था प्लांटर्स, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे एक एक करके हटा रही हूँ जो जो मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए या फिर अलग साइड में रखना चाहिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको 2x मोड में दिखा रही हूँ. एंड होप सो हमारा लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग इतने फास्टली काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्लो पेस में ही अपना काम कर सकते हैं. मूविंग ऑन, यहाँ पर मैं जितने सारे अनवांटेड ते हैं उनको हटा रही हूँ, फिर यहाँ पे प्लांटर्स लगा रही हूँ, हटा रही हूँ, वही कर रही हूँ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ये वाला प्लांटर ये डन हो चुका है. यहाँ पे एग्लोनिमा है, यहाँ पे पीस लीली है, और यहाँ पे ये देखिए ये नेक्स्ट वाला इसे हम करेंगे अभी नेक्स्ट. और यहाँ पे है डेजी भी, यहाँ पे सो रहा है. एंड तभी मम्मी ने आया और मम्मी ने ये खाने के लिए कुछ दिया. सो 5 मिनट खाने के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से शुरू हो गए दूसरे प्लांटर की ओर. यहाँ पे इस वाले प्लांटर में भी मैं सेम चीज़ें कर रही हूँ, सबको सबसे पहले तो हटा रही हूँ, और जितने सारे अनवांटेड प्लांट्स हैं या फिर कुछ लीव्स जो कि सूख गए हैं उसे मैं हटा रही हूँ. फिर उसके बाद फिर से रीअरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये प्लांट जो है थोड़ा अच्छा सा दिखे. एंड सी इट लुक्स बेटर आई गेस नाउ. मैंने बहुत सारे प्लांटर्स को नीचे रख दिए हैं. एंड अभी जितने सारे प्लांटर्स जो नहीं चाहिए या फिर जो नीचे में रखे हुए हैं उसको मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि नीचे में रखने से ज़्यादा क्लटर दिखता है. सो मैं सोच रही हूँ कि नीचे में ना रखूँ. और ये जो हमारा दोनों प्लांट स्टैंड है वो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है बोलने के लिए. एंड दिस आर ऑल द एक्स्ट्रा प्लांटर्स विच आई थिंक मैं इसको साइड में रखूँगी या फिर कहाँ रखूँगी, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या करते हैं. एंड यहाँ पे मैं इसको कुछ कर लेती हूँ, आई मीन जो जो पद नहीं चाहिए फूल इसको मैं हटा लूँगी या फिर कुछ रख दूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ. एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की ओर. ये नेक्स्ट साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा रबर प्लांट है. यहाँ पे भी बहुत ही क्लटर होके दिखा हुआ है. सो इसीलिए मैं एक एक करके सारे प्लांटर्स को अरेंज करी हूँ, और बहुत सारे घास उग गए थे तो उसे मैं हटा रही हूँ एंड फिर इसको रीअरेंज कर रही हूँ. एंड यह थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्योंकि फर्स्ट हम लोग जब घर के और आते हैं तो यही प्लांटर यही साइज ज़्यादा दिखता है. सो या ये भी अभी अच्छा से दिख रहा है. एंड आई गेस इट इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस एंड क्लीन आई गेस. सो या बढ़ते हैं अभी दूसरी साइड के और, जो कि ये हेक्टिक पोर्शन है. ये वाले आप देख सकते हैं कितने क्लटर मैंने जमा कर लिए हैं. और ये प्लांटर सबको मुझे कहाँ रखना है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है. फिर मुझे याद आया इसे बैक साइड में रख देते हैं. और जो जो प्लांटर्स नहीं चाहिए मैंने उसे बैक साइड में रख दिया है, और कुछ कुछ जो चाहिए थे छोटे मोटे उसको यहीं पे रख दिए हैं. एंड ये दो प्लांटर्स है ये मम्मी ने लगाया है, ये एक्चुअली गिफ्ट देना है. सो इसे मैं बाहर रख देती हूँ एक साइड पर, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी आएंगी और ये थोड़ा सा ग्रो भी अच्छे से होने लगेगा. सो इसे मैं ये रख देती हूँ यहाँ पे. एंड उसके बाद दूसरे साइड पे यहाँ पे देखते हैं, हाँ एलोवेरा भी है. सो मैं नहीं चाहती थी इसको बैक साइड में रखूँ, सो इसीलिए मैं इसे भी आगे अरेंज कर दूँगी. दो प्लांटर्स था एलोवेरा का, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे वीड्स ग्रो हो रहे थे तो इसे भी मैंने हटा दिया है. द नेक्स्ट इज़ दिस पोर्टुलिका. इस बार पोर्टुलिका घर पर इतने ग्रो नहीं हुए, पर होपिंग्स हो ये खिलेगा करके. तो सब पोर्टुलिका को भी मैंने साइड पे रख दिया है, सारे जितने सारे थे उसको एक साइड पे. और ये जितने सारे छोटे मोटे प्लांटर्स थे इसे जो मुझे यहाँ पे स्टैंड पे रखना था इसे मैंने वो यहाँ वहाँ रख दिया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे घास निकले हैं, सो इसे भी मैं अभी हटा दूँगी. और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश हो गई है अचानक से. सो या लेकिन बारिश बाहर होती है, इस साइड में पानी नहीं गिरती है. सो मैंने यहाँ पर पाइप एक लेके आ रही हूँ.
और यहाँ पे मैं फूलों को भी पानी डाल दूँगी, और नीचे जो है प्लांटर्स के नीचे जो जितना गंदा जमा हो गया है उसे भी मैं झाड़ू की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मम्मी भी मेरे साथ ज्वाइन कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो दैट कि मम्मी लोग जितना अच्छा से काम कर सकते हैं उतना तो कोई नहीं कर सकता है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर गार्डन जो कि हमने मेकओवर किया है। एंड हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लांट कुछ नहीं ऐड किया है, ये क्रोटोन वाला एक्स्ट्रा प्लांट ऐड किया है, बाकी जितने सारे स्टैंड में थे वही, इनफैक्ट हमने कुछ प्लांटर्स हटा दिए हैं। एंड ये साइड में भी थोड़ा बहुत क्लीन लग रहा है, और आप लोग बाहर में देख सकते हैं अभी भी बारिश की बूंदे, मतलब बारिश गिर रही है बाहर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी क्लीन एंड आई गेस इसका लुक मुझे अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले जो आप देखते थे कि ज़्यादा क्लटर दिखता था। सो होप सो ये सूखने के बाद ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अभी तो भीगा हुआ है। एंड ये आपको दिखी बस 6 मिनट की क्लिप आपको दिखेगी, वीडियो दिखेगी, लेकिन ये मुझे करीबन लगा आधे घंटे से 1 घंटे के बीच। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड आई वाज़ जस्ट ट्राइंग टू व्लॉग, क्योंकि गार्डन बहुत ही सुंदर टर्न आउट हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं गार्डन का वीडियो डाल रही हूँ एंड इट इज़ ऑल्सो मेकिंग मी हैप्पी। एंड दिस इज़ द बिफोर लुक जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड दिस इज़ द आफ्टर विच इज़ मच क्लीनर आई विल से। एंड या यही था आप सबके लिए वीडियो, होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लिविंग विद पूप।